किसी ने क्या खूब कहा है, मेहनत का फल सदैव मीठा होता है। मेहनत एक ऐसा हथियार है जिसकी सहायता से मनुष्य आलस रूपी दुश्मन को मारकर अपनी सफलता का मार्ग आसान बना सकता है। इस संसार में बिना मेहनत के कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। बैठे बैठे केवल सपने बुनने से, ख्याली पुलाव पकाने से कार्य की सिद्धि नहीं होती। तो चलिए इन्हीं सब पॉजिटिव बातों के साथ कर लेते हैं हम अपने ब्लॉग को स्टार्ट। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और बहुत ही खुश होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। तो ये करवा चौथ के एक दिन पहले का वीडियो है और मैं लगाने जा रही हूँ यहाँ पर मेहंदी, और मेरी हेल्प करने वाला कोई भी नहीं है, तो मैं अकेली ही हूँ। तो लगा लेती हूँ, जैसे मुझे आती है वैसे मैं मेहंदी लगा लूँगी। अच्छा, अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी एक हाथ पर मेहंदी लगा लूँगी और फिर मेरा एक हाथ बचेगा, उसको मैं रात में लगाऊँगी, क्योंकि फिर अभी कोई हेल्प वाला तो है नहीं कि हाँ चलो भाई कोई हेल्प कर दे तो दोनों हाथ पे एक साथ लगवा लूँ। तो लगा लेती हूँ, जैसे मुझे आएगी उस तरीके से मैं लगा लूँगी। वैसे भी मैं बहुत कम मेहंदी लगाती हूँ पहले। हाँ, बचपन में मुझे बहुत शौक़ था मेहंदी वगैरह लगाने का। जब भी मतलब मम्मी वगैरह व्रत रहती थी तो मैं ही मेहंदी लगाती थी उनके, और भी बहुत से लोगों की लगा देती थी। तब मुझे बहुत शौक़ था नए नए में मेहंदी लगाने का, और मैं इधर उधर से देख के आती थी, सीख के आती थी। घर आकर फिर अपना एक मैंने क्या किया था, एक पूरी ड्राइंग की नोटबुक बना रखी थी कोई भी मेहंदी डिजाइन देखकर, और तुरंत अपना घर पे आके उसको वैसी नकल करके बना लेती थी। पर अब तो वही मोबाइल में ही इतनी सारी डिजाइन है, और मैं अभी भी मोबाइल की सहायता नहीं लेती हूँ। मैं अपनी मर्जी से जो भी मुझे आता है वैसे मैं बना बनू के लगा लेती हूँ, और मैं कभी भी मोबाइल को देख के तो बिल्कुल भी ना लगा पाऊँ। तो मैंने कुछ इस तरीके से लगा ली है, कमेंट में बताएं कैसी लगी। और जब मैं मेहंदी लगा रही थी तो मेरी बेटी आ गई, देखने लगी, जिद करने लगी कि आप मेरी भी लगा दो। तो मैंने उसको बोला बेटा पहले मुझे पूरी लगा लेने दो, और जब मेरी सूख जाएगी तब फिर मैं आपके पक्का लगाऊंगी। तो देखिए मेरी सूख गई थी, मैंने अपनी मेहंदी छुटा दी थी, तो अभी ज़्यादा कलर नहीं आया है, तो वो नाइट में आ जाएगा। और फिर उसके फिर मैं मेहंदी लगाने लगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी, तो मैंने उसके ऐसे ही लगा दी जल्दी जल्दी। और अभी ज़्यादा कलर नहीं आया है, तो रात में पूरी नाइट जब रहेगी तो अच्छे से कलर आ जाएगा इस पर। और ये मन्नू भी जिद कर रही थी, बहुत देर से लगी पड़ी थी कि मेरी भी लगा दो, तो मैंने इसकी कुछ इस तरीके से लगा दी जल्दी जल्दी। और अब ये बोल रही कि आपने अपनी जैसी डिजाइन क्यों नहीं बनाई मेरे। तो अब मुझे मेरे हाथ पर कोई लगाने वाला तो है नहीं, मैं ही अकेली हूँ, तो एक हाथ पर तो मेरी लग गई है। और अब बचता है ये वाला हाथ, सीधा वाला, तो इस पर भी मैं अपने लेफ्ट हैंड से कोशिश करूँगी इस पर लगाने की। तो और मन्नू बोल रही है कि आपने मेरी ऐसी क्यों नहीं लगाई, तो मन्नू की आदत है मेरी नकल करने की हर एक चीज़ की। तो मैं उसको बोल रही हूँ तुम व्रत रहोगी क्या? बोल रही है हाँ बहू रहोगी व्रत। हाँ रह लोगी आप? पानी हाँ। भी नहीं पीते इस व्रत में? हाँ, मुझे भूखा रहना बहुत अच्छा लगता है। हाँ तभी सूख सूख के हो रही हो तुम छुआरा। तो ये वीडियो है नेक्स्ट डे का, यानी कि करवा चौथ वाले दिन का। तो सबसे पहले सभी को हैप्पी करवा चौथ। और यहाँ पर मेरा सारा काम हो गया था सुबह का, जो भी काम था। सुबह अर्नब स्कूल गया था, तो उसके लिए मैंने मेथी आलू की सब्जी और पराठा बना के रख दिया था, और फिर मेरा सारा काम भी हो गया था। और मैं भी बोर हो रही थी, तो मेरे दिमाग में आइडिया आया चलो मैं अपनी छलनी को सजा लेती हूँ। तो मैंने छलनी को ऐसी, मेरे पास एक नवरात्रि की माता की चुन्नी पड़ी थी, तो मैंने उससे उसको डेकोरेट कर लिया। तो दिन में मैं नहाकर फ्री हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो अभी लगा लेती हूँ नेल पॉलिश। फिर रात में क्या होता है ना, जब हम तैयार होते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है नेल पॉलिश, सूख नहीं पाती है। तो मैंने सोचा अभी दिन में लगा के सुखा के फिर जो भी काम है मैं फिर बाद में करूँगी। तो देखिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ किचन में, और मैं बनाने जा रही हूँ अभी, सबसे पहले बना रही हूँ खीर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, हमारे यहाँ करवा चौथ पर कढ़ी चावल खीर पूड़ी यही सब कुछ बनता है, जिसको हम कच्चा खाना भी बोलते हैं। तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ, और यहाँ पर कर लेती हूँ अपने चावल साफ। अच्छा हुआ क्या था, मतलब वैसे तो मैं सबसे पहले कढ़ी रखती हूँ बनने के लिए, पर मन्नू के पापा गाँव से दही लेके आ रहे थे ना, तो फिर उन्होंने वो लेट हो जा रहे थे आने में, तो फिर मैंने सोचा चलो जब तक वो लेट आएंगे तो इससे पहले मैं अपने जो
खीर वगैरह है, पूड़ी चावल वगैरह है, ये सब काम कर लेती हूँ, इनको निपटा लेती हूँ। फिर बाद में रह जाएगी मेरी कढ़ी, तो फिर मैं उसको बाद में बना लूँगी। तो फिर इसलिए फिर मुझे पहले खीर बनानी पड़ी, नहीं तो मैं खीर तो लास्ट में बना लेती हूँ। तो जब तक मेरी खीर बन रही है तब तक मैंने साथ ही साथ चावल भी रख दिए बनने के लिए। तो मैंने सोचा जल्दी हो जाएगा थोड़ा। तो जब चावल बन गए तो फिर उसके बाद मैंने आटा वगैरह भी लगा लिया और पूड़ी भी बना के रख लेती हूँ, जिससे कि मेरा जब मैं कढ़ी बनाऊँ तो और मेरे लिए आसानी हो जाए। तो बस क्या हुआ, मतलब खड़े खड़े इतना सारा चीज़ें बनाई तो मैं थोड़ा थकावट सी हो गई थी। तो फिर मैंने क्या किया, गैस को नीचे रख लिया, क्योंकि कढ़ी में तो वैसे भी टाइम लगता है। तो फिर मैंने गैस को नीचे रख लिया और नीचे बैठ के फिर मैंने कढ़ी बनाना स्टार्ट किया। और ये कढ़ी के लिए पकौड़ी वगैरह भी मैंने साथ ही साथ उसी कढ़ाई में पहले ही निकाल के रख ली थी। वो मैंने इसलिए कर ली जल्दी जल्दी हो जाए, इस वजह से। और खाना वगैरह मेरा बन गया है, तो अब हो जाते हैं हम रेडी। तो अच्छा हुआ क्या था, हम ना जल्दी रेडी हो गए थे, लगभग 8 बजे होके छत पे चले गए थे। फिर काफ़ी देर तक बैठे रहे, चांद लगभग निकला था 9:45 बजे के टाइम पर, तो हमें अच्छा लग रहा था, ऊपर हम आराम से बैठ गए थे। तो रेडी होने के बाद फिर मैं मावर लगा रही थी पैरों पर, तो भाई करवा चौथ का दिन है तो सब कुछ ही करना पड़ता है, 16 सिंगार बोले तो। तो कुछ इस तरीके से मेरी थाली थी, जिसमें ये चीज़ें थी जो हमारे यहाँ पूजा में चढ़ाई जाती हैं। तो बस अब जाने की तैयारी है ऊपर छत पर। और मन्नू को बहुत खुशी हो रही थी ये सब देख देख कर, तो मैंने उसको छींक दे दी थी, आप लेके जाओ जब तक छत पर, और मैं थाली लेके आती हूँ जब तक ऊपर। तो बस अब तैयारी है, तो बस चांद को पूजने की और व्रत को खोलने की। अच्छा ये वीडियो वगैरह मेरे बच्चे बनाते हैं, तो मतलब थोड़ा सही से कैमरा नहीं पकड़ पाते हैं, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। और बस चांद निकल आया था तो हमने चांद को भी देख लिया और अपने चांद को भी देख लिया। तो जी छत की जो पूजा थी वो हमने छत पर कर दी, और बाकी की बची हुई पूजा हम अभी कर रहे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आप मेरे चैनल पर नए आए हों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहें मेरे साथ, जुड़े रहें और भी मेरे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।